ये पूरे कपड़े की वस्त्र धोती किस तरह से आपके निगलते हुए ये दिखा रहे हैं, किस तरह से ये आपकी अंदर आंतों की सफाई कर देगी, किस तरह से आपके जो है फेफड़ों की लंग्स की सफाई करेगी, किस तरह से अधपका अन्न की सफाई करेगी, या आपकी फूड पाइप के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन है, कुछ भी आ गया है, वो किस तरह से सफाई कर देगी, इसको निगलते हुए क्या सावधानियां रखनी है, तो वो सारी बातें मैं आज को आपको बताऊंगा। वह इसको हम मपाएंगे, ये 7 मीटर लंबी जो वस्त्र धोती है इसको आप देख लीजिए किस तरह से, ये पूरी 7 मीटर लंबी वस्त्र धोती होती है। इस तरह से हमारे योगी लोग इसको जो है उपयोग करते हैं, और किस तरह से करना है, कैसे इसको सीखना है, वो सारी बातें मैं डॉक्टर संदीप आचार्य आज आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पूरा 7 मीटर लंबी ये वस्त्र धोती किस तरह से आपकी जो है पूरी जो है निगल के दिखाएंगे। अभी इसको फिर से दोबारा से निगल करके दिखाएंगे, ओनली 5-4 मिनट के अंदर जो है इस तरह से जो है आप अपने फेफड़ों को लंग्स को जो है पूरा मजबूत कर सकते हो, पूरी गंदगी को बाहर निकाल सकते हो, वो सारी आज यह योग की जो सटक्रम की क्रिया है यहाँ पे पूरी 7 मीटर लंबी है। और कैसे ये आदमी इसको अब आपको निगल के दिखाएगा, और ये अंदर जाकर आपके फेफड़ों को और आंतड़ियों को डिटॉक्सिफाई करके गंदगी को खींच कर बाहर निकाल देगी, वो इस पट्टी पे आपको दिखाएंगे कैसे आपकी गंदगी को निकाल देगी। इसी तरह से ये देखिए, ये जैसे हमारे यहाँ पे लंग्स हैं, तो यहाँ पे ये जो है जैसे ही हम निगलते हैं, जिस तरह से गाड़ी की जो है सर्विस होती है, इसी तरह से हमारी भी सर्विस होनी जरूरी है, और सर्विस होती है इस पट्टी के द्वारा। अब ये इसको पूरी निगल करके आपको दिखाएगा, तो मैं संदीप योगाचार्य आज यहाँ पे आपको पूरा ये है लाइव आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है आप जो है इसको निगल करके जो है अपनी काफ़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। बीमारियां जैसे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन आ गया है, बहुत ज़्यादा कफ जमा रहता है, ठंडी का कोई रोग है, इस तरह से आपकी जो है आहार नली के अंदर कुछ भी अवरोध आ गया है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे निगलते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको निगलते रहो। और ये योग के सटक्रम की क्रिया होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन इसको कोई भी घर पे शुरू में ट्राई नहीं करेगा, किसी भी अच्छे योग गुरु के सानिध्य में आपने इसको जो है सीखना है पहले, उसके बाद करना है। और जैसे ही आप शुरू करोगे तो आप देखोगे इतनी ज़बरदस्त क्रिया है कि बहुत रोगों में आपको लाभ करती है, पूरी जो है गंदगी को बाहर निकाल देती है ओनली ओनली 5 मिनट के अंदर। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, योग की जो प्रक्रिया है ये सटक्रम की, इसको बोलते हैं वस्त्र धोती क्रिया। जो अभी यह है हमारे जो योग के जो स्टूडेंट है वो इसको करके करके दिखा रहे हैं किस तरह से ये निगल रहे हैं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे देखिए। और यह किस तरह से अभी यह है फूड पाइप से, ये जो फूड पाइप से पूरा जो है अंदर जा चुकी है और लंग्स के अंदर जो है पहुंच चुकी है इस टाइम, ये इसको धीरे धीरे आराम से निगल रहे हैं। और किस तरह से देखिए सारी वस्त्र धोती को निगल करके उसके बाद फिर धीरे धीरे कैसे इसको बाहर निकालना है, कैसे इसकी पूरी जो है फिर सफाई कर देगा, या आपकी पूरी गंदगी को बाहर निकाल देगा, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, यह है योग का अभ्यास। तो ये अभी आप देख रहे हो बिल्कुल लाइव आपके सामने अभी चला हुआ है। ये धोती कपड़ा इसके अंदर जाके ये पट्टी के साथ कुछ गंदगी भी आएगी निकल, बिल्कुल आप देखोगे थोड़ा गंदगी भी साथ में निकल करके आएगी, जो भी अधपका अन्न होता है, जिनको इंडाइजेशन की समस्या, जिनको भूख कम लगती है, या खाना पूरी तरह से पच नहीं पाता जिनका, तो ये लगा लीजिए कफ के कारण, या फिर जिनकी आहार नली के अंदर कफ जमा रहता है, बार बार उनको जो है टैबलेट लेनी पड़ती है या मेडिसिन लेना पड़ता है, तो विदाउट मेडिसिन के इस योग की ओनली क्रिया के द्वारा किस तरह से आप जो है कर सकते हो अपने को ठीक, तो यह पूरा आपको अभी दिखाया जा रहा है फिर किस तरह से इसको बाहर निकालना है। और दूसरा, जब इसको हम पूरा निगल लेंगे तो उस टाइम क्या सावधानी होती है, तो जुड़े रहेंगे इस पूरे वीडियो के साथ आप भी, कि किस तरह से देखिए यह योगी स्टूडेंट जो है किस तरह से आपको, इस लड़के का नाम गौरव है और ये इस अभ्यास को कर रहा है, इस समय आपको करके दिखा रहा है। और ये देखिए ये लगभग आधे से ज्यादा इस समय जो है निगल चुका है, ये बस थोड़ी सी पट्टी बची हुई है और बाकी सारी अंदर जा चुकी है पेट के अंदर। अभी आपको दिखाएंगे इसे निकलता हुआ भी कैसे निकालने का, बहुत ही सावधानी से इसको निकालने का भी तरीका इसको आपको बताया जाएगा। और आप जैसे ही इसको जो है अच्छी तरह से अगर एक बार सीख करके घर पे कर ले तो इतनी जबरदस्त है, वस्त्र धोती बोलते हैं इसको, दंड धोती बोलते हैं, ये सटक्रम की क्रियाएं होती है। तो इसको जो है आप किस तरह से देख लीजिए, किस तरह से ये यहाँ तक जो है फूड पाइप से जो है लंग्स के पास पहुंच जाती है, लंग्स के पास पास के क्षेत्र में जो भी पुराने से पुराना कफ जमा होता है, जिनको ये बार बार खांसी की समस्या है, कफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, आहार नली में जिनको कफ जम चुका है, तो वो जो है पूरी सफाई जो है इसकी हो जाती है। तो
इसको जो है हम योग के अंदर वस्त्र धोती बोलते हैं। देखिए यह किस तरह से खा गया है, इसको निगल गया है पूरे का पूरा जो है। देखिए और इसको पूरा अंदर लेके चले गए हैं, इनके मुंह में नहीं है। आप सोच रहे हो कहीं ये मुंह में इकट्ठी तो नहीं कर रहे, अभी आपको दिखा रहे हैं ये पूरा पेट के अंदर जा रही है, यहाँ पे जाने लग रही है पूरा, यहाँ से फूड पाइप से होती हुई जो है अंदर तक जा रही है। और जो है पूरा जो है इतनी जबरदस्त प्रक्रिया है, इसको जो है हठ योग के योगी सदियों से हजारों हजारों सालों से जो है करते आए हैं। जब दवाइयां नहीं हुआ करती थी तो इसी तरह की। फिर हमें सावधानी क्या रखनी है, ये जो पट्टी निकल रहे हैं ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये पट्टी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, इस पर कोई गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। और इसको अभ्यास से पहले हम थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में जो है भिगो लेंगे, और सूती कपड़े की होनी चाहिए। वस्त्र धोती इसके लिए बोलते हैं, जो धोती का जो कपड़ा होता है उसको जो है उस तरह से जो है यह इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए ये योगी लड़का किस तरह से इसको जो है अभी आपके सामने 5 ही मिनट में सारी गंदगी भी आप बाहर निकलते हुए देखोगे बिल्कुल जो है। तो इतनी जबरदस्त प्रक्रिया है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखिए, ताकि आप काफ़ी बीमारियों को घर पर रह करके भी किस तरह से आप इसको सीख करके ठीक कर सकते हो। तो ये देखिए अब इन्होंने ये पूरी निगल ली है, ये जो है अब इन्होंने पूरी निगल लिया, बस थोड़ी सी बची है। आराम से ये दिखाना सर कितनी के बची है बाहर। बस बस ये देखिए ये पूरी निगल गया, 7 मीटर लंबी, ओनली 5 मिनट में इस लड़के ने ये निगल ली है। और देखिए पूरी जो है, और इसको पूरा नहीं निगलना है, ये सावधानी रखेंगे इसको करते टाइम, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे मेन सावधानी है, इसको पूरा नहीं निगलना है, इतना बाहर रहने देना है, और 10 मिनट से ज्यादा इसको अंदर नहीं रखना है, 3-4 मिनट के बाद इसको फिर बाहर निकाल देना है। इसमें एक योग की क्रिया होती है, नोली क्रिया बोलते हैं, ऐसे ऐसे फिर पेट को हिलाना है, इसको निगल करके ऐसे ये पेट को हिलाना है इस तरीके से, ताकि ये पेट के अंदर की सारी गंदगी को साफ कर दे। इस तरह से हिलाएं, इस तरह से जब आप अपने पेट को हिला लेते हो तो ये पूरी आंतों को, इनको जो है आपके जो है फूड पाइप को जो है पूरा जो है लंग्स को जो है पूरी इसकी सफाई कर देती है। अब देखिए इसको निकालना कैसे है, वो सबसे बड़ी सावधानी है। अब आराम से ये योगी लड़का अब आपको ये इसको निकालते हुए दिखाएगा, देखिए किस तरह से। और गंदगी इसके साथ में आएगी, साथ में बिल्कुल, ये जो भी इस पे पीला पीला पन लगा रहा है, खराब एसिड जिनको बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आराम से आपको धीरे धीरे निकालना। देखिए ये कफ जमा हुआ, देखिए सारी गंदगी जो है बाहर आ रही है निकल करके, अंध पका अन्न भी आ रहा है साथ में, जो भी पूरा पचता नहीं है भोजन जो है। और सुबह को ये खाली पेट करनी है, ये सारी बातें मैं इसलिए डॉक्टर संदीप आचार्य आपको बता रहा हूँ, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो इस क्रिया को करते हुए, बिल्कुल सावधानी के साथ इसको करना आपने। अंदर से आ रही है, कहीं मुंह में इकट्ठी नहीं की हुई, फूड पाइप से बाहर निकल के आ रही है। देखिए तो ये योग का इतना जबरदस्त अभ्यास है, अगर कोई व्यक्ति इसको कुछ दिन लगातार कर लेगा, ये इसने पूरी निकाल दी है, अंदर तेजाब, ये गंदगी थी, गंदगी है तेजाब है, तो वो सारी सारी जो है सूत्र वस्त्र धोती के साथ लग करके निकल जाती है, बाहर जो है आ जाती है। तो किसी को भी अगर ऑनलाइन योगा क्लास के लिए अगर संपर्क करना है, तो मैं डॉक्टर संदीप योगाचार्य, आजकल ऑनलाइन योगा क्लास का मैंने प्रोग्राम कराया है, ये इस पर संपर्क कर